मोल तोल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा और हमारे साथ हैं इंडिया निवेश कमोडिटीज के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। मनोज जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार कमल जी। मनोज जी, अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से कैस्टर सीड एकदम तेज होता जा रहा है और काफी सुर्ख है। लास्ट ईयर इसने 6,300 के करीब का एक हाई बनाया था और वहां से ये 5,000 रुपए के करीब करीब वापस नीचे आया, फिर तेजी के रास्ते पे। आप क्या कहेंगे कि पिछले हाई को ये पार कर पाएगा या नहीं? बिल्कुल, इसमें वापिस से जो तेजी लौटने के पीछे दो बड़े मुख्य कारण हैं। पहला तो ये कि अभी जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन का जो एनुअल मीट हुआ था अहमदाबाद के अंदर, वहाँ पे जो उत्पादन के आंकड़े निकल के आए थे वो लगभग 11 लाख मेट्रिक टन के आसपास के निकल कर आए हैं, जो कि गत वर्ष की तुलना में लगभग 20% जो है कम है उत्पादन इस वर्ष में। और दूसरा, जो पिछले सप्ताह से फिर जो एक हलचल तेज है कि चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड वार चल रहा था, वहां पे कुछ पॉजिटिव जो है डेवलपमेंट होती हुई दिख रही है। तो चूंकि जो कैस्टर ऑयल का जो सबसे बड़ा निर्यात है भारत का, वो चाइना को होता है जी, उस लिहाज से फिर से इस कमोडिटी में जो है एक मोमेंटम देखने को मिला है। और कीमतों ने पिछले 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो लगभग 10 से 12% की जो है तेजी फिर से दिखाई है, तो एक अच्छा मोमेंटम जो है यहाँ पे देखने को मिला है। तीसरी एक और मुख्य चीज ये है कि पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में रूपी में फिर से गिरावट देखने को मिली है डॉलर के सामने, तो बीइंग एक्सपोर्ट कमोडिटी उसकी वजह से भी इस कमोडिटी को जो है यहाँ पे सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो जैसा कि आप बोल रहे थे कि पिछले हाई को ब्रेक कर सकता है क्या, फिलहाल ऐसी एकदम से संभावना नहीं बन रही है। लेकिन अगर जो मई कॉन्ट्रैक्ट की बात करें जो आज 5,800 के ऊपर क्लोज हुआ है, वहां पे एक 5,850 से 5,870 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, तो अगर उसको पार करने में अगर कीमतें सफल होती है तो मेरा मानना है कि 6,020 से 6,030 तक का जो है एक टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो 6,020 एक मेजर रेजिस्टेंस होगा, उसको अगर कीमतें पार करेगी तो ही फिर जो है 6,300 के ब्रेकआउट की हम बात कर सकते हैं, अन्यथा मेरा मानना है कि एक बार जो करंट रैली है वो 6,000 के आसपास जो है कहीं ना कहीं रुकती हुई दिखेगी और वहां से फिर एक बार मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। तो यानी अगर जो ट्रेडर कैस्टर में सेफ ट्रेड करना चाहता हो, क्या उसे फिर 6,000 रुपए के आसपास एक पार्टली प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए? बिल्कुल, अगर जो लोग नीचे से बाइंग का पोजीशन लेकर के चल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं एक बार 6,020 के आसपास जो है पार्शियल मुनाफा वसूली करना चाहिए, और बाकी की पोजीशन में जो है अगर मई वायदा में उनका पोजीशन है तो मेरा मानना है कि 5,700 के आसपास का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अगर 6,020 के ऊपर कीमतें चलती है तो फिर 6,300 अगला लक्ष्य हो सकता है, तो वहां पे एक बार पूर्ण रूप से जो है मुनाफा वसूली करना चाहिए। ऐसे नए खरीदार जो इस रैली को कैच करने से मिस हो गए हैं और जो ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा मानना है कि 5,450 से 5,500 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर मुनाफा वसूली की वजह से भाव नीचे की तरफ आते हैं तो 5,450 से 5,500 की रेंज में वहां पे खरीदारी की जो है संभावना देख सकते हैं, और 5,280 का उस पोजीशन में जो है एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जी, धन्यवाद मनोज जी।